लोकसभा चुनाव से पहले सदन में पीएम मोदी ने आखिरी भाषण दिया। तीसरी टर्म की गारंटी और एनडीए 400 पार वाली भविष्यवाणी के बाद पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि उन्होंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी दोहराया था कि देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत ने अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनों से भविष्य की उन्नति के सपने देखे। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के गांव गांव ने, देश के कोटि कोटि जनों ने विकसित भारत की संकल्प यात्रा देखी है और सैचुरेशन के पीछे कितनी मेहनत की जाती है, उसके हक की चीज उसको मिले, उसके दरवाजे दस्तक देकर के देने का प्रयास देश पहली बार देख रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम, आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा,